आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कैपिटल कनेक्ट ऐप डिज़ाइन किया गया है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके लिए क्लाइंट को स्वयं के स्मार्टफोन पर कैपिटल कनेक्ट ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है तथा इसमें लॉगिन करना है। लॉगिन के लिए क्लाइंट स्वयं का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करें। फिर कंटिन्यू बटन पर जैसे ही क्लाइंट क्लिक करेंगे तो उनके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को यहाँ पर दर्ज करें और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें। जैसे ही क्लाइंट यह करेंगे तो उन क्लाइंट के कैपिटल कनेक्ट ऐप की होम स्क्रीन दिखाई देगी। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि क्लाइंट घर बैठे खुद की ऑनलाइन किश्त जमा करवा सकते हैं और अपने लोन संबंधित सारी डिटेल इस ऐप के माध्यम से देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे पे ईएमआई वाले सेक्शन की। पे ईएमआई सेक्शन के थ्रू क्लाइंट खुद की किस्त को ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं और यदि क्लाइंट को इस अमाउंट में कुछ एडिट करना है तो वह ऐसा कर सकते हैं। और पे ईएमआई नाउ वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लाइंट के सामने कई पेमेंट ऑप्शन आएंगे। क्लाइंट के पास में जो भी फैसिलिटी है उसका उपयोग करके वह ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है, जैसे कि पेटीएम, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई वॉलेट्स। यदि क्लाइंट्स के पास डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर खुद का कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी और सीवीवी नंबर डाल के आगे प्रोसीड कर सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। यदि क्लाइंट के पास नेट बैंकिंग की सुविधा है तो नेट बैंकिंग पे क्लिक करके जिस भी अकाउंट में उनका अकाउंट है उसको सेलेक्ट करके यहाँ से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और यदि यूपीआई के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट जमा करवाना चाहें तो यहाँ पर यूपीआई आईडी दर्ज करके प्रोसीड एंड पे पे क्लिक करके ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और सबसे अंत में वॉलेट, वॉलेट के थ्रू भी क्लाइंट ऑनलाइन पेमेंट जमा करवा सकते हैं, जैसे कि फ्री चार्ज, जियो मनी, ओला मनी, पेटीएम, पेजैप, फ़ोनपे इत्यादि। ये सभी टाइप हैं पेमेंट के, इनको उपयोग में करके क्लाइंट ऑनलाइन पेमेंट जमा करवा सकते हैं। फिर हम बात करेंगे रेफर फ्रेंड्स, जो कि आने वाले समय में उपयोग में आएगा। अब हम बात करेंगे पासबुक, पासबुक वाले सेक्शन की मदद से क्लाइंट स्वयं की पासबुक यहां से देख सकते हैं कि जितनी भी किस्तें उन्होंने जमा कराई है वह इस पासबुक में अपडेट हो जाएगी और जो भी उनकी शेष बची हुई ईएमआईज है वह यहां पर पेंडिंग के रूप में दिखाई देगी। तो क्लाइंट यहां पर खुद की पासबुक कंप्लीट देख सकते हैं। यहाँ पर बैंक नेम, ड्यू डेट, ईएमआई, चेक बाउंसिंग चार्ज, प्रेजेंट डेट और कमेंट्स सेक्शन दिखाए गए हैं। अब हम बात करेंगे लोन डिटेल। लोन डिटेल के थ्रू क्लाइंट स्वयं की कंप्लीट लोन डिटेल देख सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट का नाम, सैंक्शन डेट, डेट ऑफ डिसबर्समेंट कि किस तारीख को डिसबर्समेंट हुआ था, कितना अमाउंट लोन अमाउंट है, कितना लोन की अवधि है, डीपीडीज, कितना ईएमआई यानी कि जो उन्हें किस्त चुकानी है, फर्स्ट डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी तारीख को है और लास्ट डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी तारीख को है इत्यादि यह डिटेल यहाँ से देख सकते हैं। TNC वाला प्रोसेस वह है कि जब क्लाइंट सैंक्शन लेटर के दौरान जो भी सैंक्शन लेटर के टर्म्स एंड कंडीशन है उसको डिजिटली रूप से एक्सेप्ट किया जाता है वह इस TNC के माध्यम से किया जाता है। यहाँ पर क्लाइंट ने TNC का प्रोसेस किया हुआ है तो उसकी जो भी शर्तें या जो भी कंडीशंस टर्म्स एंड कंडीशन है वह PDF के रूप में यहाँ पर सेव दिखाई देगी तो क्लाइंट इसे देख सकता है, जो कि डिजिटली रूप से क्लाइंट के खुद के द्वारा स्वयं के द्वारा एक्सेप्ट की गई थी। और सबसे अंत में हम माई प्रोफाइल वाले सेक्शन की बात करेंगे। यहाँ पर क्लाइंट खुद की पर्सनल डिटेल जैसे कि क्लाइंट आईडी, फादर, स्पाउस नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर इत्यादि देख सकते हैं। बैंक डिटेल जैसे कि अकाउंट नंबर, IFSC कोड इत्यादि देख सकते हैं। फोरक्लोज से संबंधित
यदि वह अमाउंट जानना चाहें तो इस फोरक्लोज के सेक्शन के माध्यम से वह ऐसा देख सकते हैं। और यदि खुद के अकाउंट को वह फोरक्लोज कराना चाहें तो नियर बाई ब्रांच में जो भी ब्रांच हेड है उनसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे जो फोरक्लोज अमाउंट होगा वह सबसे लास्ट में जो कॉलम दिखाया गया है टोटल रिसीवेबल, यह अमाउंट फोरक्लोज अमाउंट कहलाता है। यानी कि क्लाइंट जब कभी भी फोरक्लोज कराना चाहें तो यह अमाउंट उनके सामने दिखाया गया है, जो कि टाइम टू टाइम यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। और जब कभी भी क्लाइंट फोरक्लोज कराएं तो इस अमाउंट के साथ में वह अपना अकाउंट फोरक्लोज करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में जब भी क्लाइंट ने लोन लेने के लिए जो भी नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिए थे और जो भी लोन प्रोसेसिंग के दौरान जो भी डॉक्यूमेंट कंपनी द्वारा लिए गए थे वह सभी यहाँ पर अपलोड कर दिए गए हैं। क्लाइंट स्वयं इन्हें डाउनलोड करके देख सकते हैं। और यदि क्लाइंट को स्वयं के कैपिटल कनेक्ट ऐप का पासवर्ड चेंज करना है तो चेंज पासवर्ड पर जैसे ही वो क्लिक करेंगे तो उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा और उस OTP को दर्ज करके वह खुद का कैपिटल कनेक्ट ऐप शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद।